आपा मुझे तो लगता है कोई बड़ा पंगा हुआ है पड़ोस में। वो कैसे? वो ऐसे कि वलीद की शक्ल सड़े हुए कद्दू की तरह लटकी हुई थी। तो कद्दू से कोई सुनगुन भी ले लेने थे ना? आपा बेबे के बच्चे हैं, मर जाएंगे लेकिन मुंह से भाप नहीं निकालेंगे। हाँ वो तो है ही सारे मीसने गुन्ने कहीं के। आपा शाम हो गई है, कुछ चाय, कुछ समोसे, जलेबी। अपना वजन चेक किया तुम दोनों मियाँ बीवी ने? महंगाई की तरह सिर्फ बढ़ता ही चला जा रहा है। माशाल्लाह बोले आपा। मानी आपको तो रिपोर्ट आनी थी ना? यार मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, एक काम करो मस्कीन को बोलो ना, वो फारिग है। सरकार मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अरे मस्कीन तुम क्यों अंगारे चबा रहे हो? सबसे पहले अपने भाई को तमीज सिखाओ, अपने बड़े बहनों से ऐसे बात करते हैं। और भावे मैं नहीं जाऊंगा किसी की भी दवाइयाँ लेने। ये जो घर पे फारिग लोग बैठे हैं ना, इनसे जाके बोलो कि काम करे सारे। लगता है गैरत जागी मेरे हमजुल्फ की। शट अप। तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। फाजी भैया ने जरूर कुछ गलत कह दिया है। फाजी ने भी तो आजकल तोप के मुंह में अपना मुंह फिट कर रखा है। लगता है कोई बड़ा ही मिजाज ठोक दिया बड़े भैनोई साहब को। जान आप ले आइए ना मेडिसिन। भाई मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। अभी इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा, देखना ये देखना ड्रामे कर रहा है। मैं जाकर फाजी को पूछती हूँ। जानू उठ जाओ, अपनी औकात में आ जाओ, घर के काम करो, पोछा लगाओ। हाँ? मानी मुझे हाँ? लग रहा है बहुत ही बेइज्जती हो गई मिस्किन भाई की पहली दफा। ये मुस्तकिल बेइज्जत इंसान है। बेटा जाके समोसे जलेबी लेके आओ, देखना पैसे नहीं मारो। उठो उठो उठ।